नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। भ्रष्टाचार पर धामी का प्रहार, अब पहुंचेंगे जनता के द्वार। दरअसल धाकड़ धामी अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसा चुनाव से पहले धामी ने जनता से वायदा किया था कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, वैसा धामी अमल में भी ला रहे हैं। सीएम धामी की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई शुरू हो गई है और चर्चाओं में भी है। जो विपक्ष के गले भले ही ना उतर रही हो, लेकिन जनता उसकी सराहना कर रही है। पहले तो आरटीओ ऑफिसर ऑफिस जाकर आरटीओ अधिकारी को काम से लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करना ये चर्चाओं में रहा। इसके बाद जनता ने सीएम धामी के इस कदम को खूब सराहा और अब रामविलास यादव वाला कदम खूब चर्चाओं में है। रामविलास यादव को सस्पेंड करके सीएम धामी ने यह साबित कर दिया कि धामी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो उच्च लेवल का अधिकारी हो या निम्न लेवल का कर्मचारी। तो वहीं कांग्रेस रामविलास यादव की गिरफ्तारी को भी सरकार का दिखावा बता रही है। दूसरी तरफ सीएम ने जनता के द्वार जाने की योजना भी बना ली है। आपको बता दें कि सीएम हर जिले में मंत्रियों को प्रभार तो देख ही चुके हैं। सीएम धामी खुद शुक्रवार और शनिवार को जनता से मुखातिब होंगे और हर जिले का दौरा करेंगे। सीएम के प्रस्तावित प्रवास कार्यक्रम के लिए नौकरशाही ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसीएस राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को सीएम के कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। यह अभियान भी सुशासन विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ जनता के सीधे जुड़ाव के मंशा से शुरू किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों की हकीकत भी देखेंगे। इस दौरान हर जिले में जिला स्तरीय विभागों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। कॉलेजों में छात्र छात्राओं से भी मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। मंत्री जी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें और सभी ज़िलों में उनका प्रवास हो, तो अब हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को एक किसी ज़िले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर, और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है और संवाद करने के लिए प्रवास आवश्यक है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सप्ताह दो जिलों में प्रवास करने का निश्चय किया है, तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा, विकास की गति को पंख लगेंगे और मुझे लगता है कि जो रुके हुए कार्य हैं या जो अटके भटके और लटके हुए कार्य हैं उनको शीघ्रता से पूरे करने में सहायता मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है और कोई भी कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उसी का परिणाम। देखिए, मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी जी जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब आरटीओ ऑफिस में वो औचक निरीक्षक पे पहुंच रहे थे तो मीडिया उनके साथ क्या कर रहा था? इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी पहले से जानकारी जो है मीडिया को थी, और कोई व्यक्ति उस दिन जिसको उन्होंने सस्पेंड किया आरटीओ को, उसने खुद कहा कि मैं उस वक्त विकास नगर था, किसी काम से गया हुआ था, तो उसको उन्होंने सस्पेंड करके सिर्फ एक जनता को धोखा देने का कार्य किया। दूसरी बात, अभी जो विजिलेंस की बात आपने करी है, तो हाई कोर्ट ने दबाव बनाया सरकार पे, जब हाई कोर्ट ने जो है सरकार से जवाब तलब किया, उसके बाद सरकार जो है एक्शन पे आई और रामविलास यादव जो है उनकी गिरफ्तारी की उन्होंने बात करी। अगर ये गिरफ्तारी हाई कोर्ट में के ऑर्डर से पहले करते तो वो वाहवाही बटोरने का कार्य कर सकते थे, लेकिन आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, तो ये बिल्कुल भी मुझे लगता है सही बात नहीं है। और NSA-74 के अधिकारियों के साथ भी यही हुआ, आपने सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें जेल में डाल दिया, उसके बाद क्या हुआ, अच्छी अच्छी जगह उन्हें पोस्टिंग दे दी। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरम पर है, और भ्रष्टाचार पे कौन कौन से भ्रष्टाचार हुए उस पर आप एक श्वेत पत्र निकालिए और
उनकी जांच करवाइए, जो अधिकारी जो नेता दोषी हो उसे जो है सलाखों के पीछे डालने का कार्य जब भारतीय जनता पार्टी करेगी तब वो ये कह सकती है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर चुग जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगी, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से तमाम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है सीएम धामी के द्वारा, वो कार्रवाई जनता जी उसको सराह रही है और दूसरी तरफ अब जनता के बीच जाने का फैसला लिया है सीएम धामी ने। जनता से एक सीधा जुड़ाव रखने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिया है कि सप्ताह के वीकेंड पर शुक्रवार और शनिवार दो दिन का समय पब्लिक से मिलने का रखा जाएगा, जिससे धरातल पर जितने विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी मिल सके, कहीं पर कोई कमी है तो उसको दूर करने का काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वर्ग को कोई भी अपनी समस्या है तो वो सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी समस्या को रख पाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को देकर जो भी यथासंभव जितना भी समस्याओं का निराकरण करने का काम होगा ऑन द स्पॉट करेंगे या यथाशीघ्र जैसे भी होगा उसके ऊपर कार्यवाही को अमल में लाने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में अभी दो दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्योंकि जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार उत्तराखंड में चल रही है और इसी के ऊपर इसको अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से कई छोटी व महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं जिनके लिए हमारी जनता दर दर भटकने के लिए कांग्रेस के समय से मजबूर रहा करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही उन सभी योजनाओं को एक टाइम फ्रेम के अंदर लाने का काम किया, जिसमें जैसे जाति प्रमाण पत्र 9 दिन के अंदर उसका एक टाइम फ्रेम निश्चित किया गया है कि 9 दिन के अंदर अंदर आपको देना ही देना है और निवास प्रमाण पत्र 8 दिन के अंदर आपको देना है, हैसियत प्रमाण पत्र आपको 8 दिन के अंदर देना है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको 6 दिन के अंदर देना है, प्रमाण पत्र आपको 9 दिन में देना है, भू मानचित्र 3 दिन के अंदर देना है और बहुत अधिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए क्योंकि आवश्यकता के समय पर यदि हमको सहायता मिल जाती है तो उसका जो मैं सोचता हूँ उसके जो परिणाम है वो कई गुने हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो गजी आपदा है पूर्व में देखा गया था कि देवी आपदा आती थी और सरकार की जो घोषणाएं होती थी सरकार की घोषणाओं के अनुरूप उनको जो भी लोग जिनको हमने ये सहायता देनी होती थी उनको बहुत एक लंबा पीरियड हो जाता था, अब एक दिन के अंदर 10,000 से लेकर 50,000 से अधिक ठीक है संजय वर्मा जी ठीक है लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास। ठीक है संजय वर्मा जी ठीक है। भास्कर चुग जी फिलहाल जिस तरीके से धामी सरकार कार्य कर रही है कांग्रेस को क्यों नहीं रास आ रही है ये उनकी कार्रवाई? भास्कर चुग जी भास्कर जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए तो संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में धामी की सरकार अपने वायदों पर खरे उतर रही है और इससे सीधे तौर पर जनता जो है वो खुश नजर आ रही है और जनता इस बात से खुश है कि उन्होंने दोबारा बीजेपी को सत्ता में लाकर सही काम किया है, ऐसा जनता कह रही है। दरअसल धाकड़ धामी अपने वादों पर लगातार खरे उतर रहे हैं। जैसे कई चुनाव से पहले धामी ने जनता से वादा किया था कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, उन्हीं वादों पर खरा उतरते हुए अब सीएम धामी ने पहले तो आरटीओ अफसर को
सस्पेंड किया और उसके बाद रामविलास यादव वाला जो कदम था वो भी खूब चर्चा में रहा। रामविलास यादव को भी सस्पेंड करके सीएम धामी ने ये साबित कर दिया है कि धामी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। अब भ्रष्टाचारी चाहे अपर लेवल का कोई अधिकारी हो या फिर निचले निम्न लेवल का कोई कर्मचारी हो, लेकिन बीजेपी जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है भ्रष्टाचार को लेकर, और इसीलिए बीजेपी जो है वो बिल्कुल भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। भास्कर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, धामी सरकार का जो ये कदम है जो भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति आप कह सकते हैं कि अपना रही है बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में, वो कांग्रेस को क्यों रास नहीं आ रहा है? देखिए, जीरो टॉलरेंस यदि होगा तो कांग्रेस को जरूर रास आएगा। रामविलास यादव जी के प्रकरण में मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि मीडिया मुझे नहीं लगता कि इतना अनजान होगा कि इस पूरे के पूरे प्रकरण की वास्तविकता को समझता हो। हमसे बेहतर आप जानती होंगी मुस्कान जी कि ये पूरी की पूरी कार्यवाही उत्तर प्रदेश से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद की गई है। और यदि वास्तव में जीरो टॉलरेंस वाली कोई बात है तो अभी ट्रांसफार्मर घोटाले वाले आरोपी का क्या हुआ, क्या वो एमडी आज है या नहीं है, और एक जिस मामले में रामविलास यादव जी की अरेस्टिंग कल हुई है, इस मामले को थोड़ा और स्पष्ट करके यदि हम देखते हैं तो उत्तराखंड में 2012 में एक कानून बना था। उस कानून के अनुसार जितने भी हमारे ए और बी क्लास के ऑफिसर्स हैं उत्तराखंड सरकार के अंडर में, इनको प्रतिवर्ष 31 दिसंबर तक जो इन्होंने संपत्ति क्रय की है, विक्रय की है, कुछ भी किया है, इसकी घोषणा अगले साल के जनवरी में करनी होती है। और ये स्पष्ट आदेश है उत्तराखंड सरकार का 2012 का। मार्च के महीने में आदेश हुआ है, 26 मार्च को जहां तक मुझे याद है, और इस आदेश के अंतर्गत जो संपत्ति की घोषणा की जानी है, प्रतिवर्ष की जानी है, और उसके संपत्ति कोई भी क्रय या विक्रय करने के लिए अपने जो नियुक्ति प्राधिकारी है उससे आदेश भी प्राप्त करना होता है, उससे अनुमति मांगी जानी होती है। मेरा प्रश्न यह है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव जी के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है और ये संपत्ति 500 गुना से अधिक बताई जा रही है उनकी आय से, तो इतने साल से यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बैठी हुई है, क्या उनको इतने साल से ये नजर नहीं आया कि एक अधिकारी की जो है इतनी अधिक संपत्ति है, जबकि कोई भी व्यक्ति इसको देख के बता सकता है। और जिस आदेश की मैं बात कर रहा हूँ 2012 के, उस आदेश से ही कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत आदेश है, उसी में सुधार किया गया। तो उस आदेश को भी यदि हम पढ़ते हैं तो जो जनवरी की 30-31 तारीख को जिस संपत्ति के अधिकारी ने घोषणा करनी होती है उसको राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड भी करना होता है। मेरा प्रश्न ये धामी जी से है कि आप इससे पहले भी कार्यकाल आपको मिला, आप पीएम रहे हैं और अब भी आप पीएम हैं, आप बताएं कि आपके सचिवालय में ए और बी क्लास के जो अधिकारी हैं क्या सबने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी, क्या सबकी संपत्ति वेबसाइट पर अपलोड हो गई, और सारा का सारा डेटा सरकार के पास होता है, ई रजिस्ट्रार पर होता है और जगह होता है, क्या उससे मिलान कर लिया गया उस चीज का? ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। संजीव वर्मा जी बता दीजिए जल्दी से। हेलो जी मुस्कान जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की सरकार, ये सब मत बताइए जीरो टॉलरेंस की सरकार है या नहीं। भास्कर साहब जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ मुस्कान जी, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हरीश ठाकुर जी के पास भी मुझे जाना है। और उसमें कोई भी अधिकारी चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, कोई भी जो भी भ्रष्टाचार करेगा कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी जो भी हमारे पास कोई भी शिकायतें मिली है हमने किसी को भी बख्शा नहीं है और सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी है। और अभी चाहे रामविलास यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा इस देश में उसके, ठीक है संजीव वर्मा जी मिल गया आपका जवाब, ठीक है संजीव वर्मा जी जवाब मिल गया आपका। हरीश मैपुर जी, फिलहाल जिस तरीके से भास्कर साहब ने ये जो सवाल पूछा ये वाकई अहम सवाल है कि सीएम के कार्यालय में जो इतने कर्मचारी हैं ए और बी वर्ग के, उन्होंने अभी तक संपत्तियों की घोषणा नहीं की है।
मुस्कान जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए जो भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड में भी पहले छात्रवृत्ति घोटाला पर जो कार्रवाई हुई वो कोर्ट के आदेश पर हुई, उसी तरह से एनएच घोटाले पर भी जो कार्रवाई हुई वो कोर्ट के आदेश पर हुई, उसी तरह से जो हमारे एक फॉरेस्ट के अधिकारी जिनको 200 बीघा जमीन जो है वो भी कोर्ट के आदेश पर, वो कोर्ट पहले चले जाते हैं, स्टे मिल जाता है, तो तमाम ऐसे। और ये रामविलास यादव का तो नया केस आया है, तो मतलब तमाम ऐसे केस हुए हैं उत्तराखंड में जिनमें कोर्ट के आदेश के बाद जाके हमारी सरकारें कार्रवाई कर पाती हैं। हमारे पास सरकार की अपनी एजेंसी है, LIU है, पुलिस है, ED है, प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम कहते हैं वो है, तो ये पहले ही क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? मतलब जब कोई मामला कोर्ट जाता है तब जाके हम उस पर कार्रवाई कर पाते हैं, तो ये चिंतन का विषय हर राजनीतिक दल के लिए होना चाहिए, और खासकर जो विद्यमान सरकार होती है किसी भी राज्य की, उत्तराखंड की विद्यमान सरकार को इस पर एक्शन तो लेना ही चाहिए। और जब एक बार अपने अधिकारियों का पोर्टल देख ले कि भाई उनकी कितनी संपत्ति है, उससे ज्यादा आ रही है तो कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, ये सारा तो डाटा आजकल नेट पे है, संभालना जाना चाहिए। और जहां तक दूसरा आज का विषय है, मुख्यमंत्री जी जिलों में प्रवास करेंगे, तो एक ये अच्छी शुरुआत है उत्तराखंड जैसे पर्वतीय विकट राज्य के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए। हम देखते हैं आज भी मुख्यमंत्री दरबार, मतलब दरबार जो है मुख्यमंत्री खानी ने नियुक्त कर दिया, तो ये तो एक अच्छी शुरुआत हुई। तो चमोली से, पिथौरागढ़ से, उत्तरकाशी से छोटे छोटे काम के लिए मुख्यमंत्री दरबार पकड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया, भैया जो जिस लेवल के अधिकारी का काम है वही संपन्न करो, ब्लॉक लेवल के अधिकारी का काम है तो वही करो, SDM लेवल के अधिकारी का काम है वही करो, जिला लेवल के अधिकारी का काम है वही करो, छोटे छोटे काम के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में पधार रहे हैं लोग अभी भी, मतलब तमाम निर्देशों के बावजूद। तो इतने नकारा हमारे अधिकारी हो गए हैं, ये पूरी पूरी जमात है जो जो चाहती नहीं, जो हडल उसका काम करती, जो चाहती नहीं सरकार के काम स्मूथ चले, सरकार की भावनाएं स्मूथ चले, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, ना केवल भ्रष्टाचार पर, बल्कि जो फाइलों तो दबा के बैठ जाते हैं, एक दस्तक के लिए फाइल घुमा देते हैं पूरे पूरे, तो उस पर भी निश्चित रूप से सरकार को एक्शन देना चाहिए। जो शुक्रवार और शनिवार जिलों में प्रवास का कार्यक्रम है वो बड़ा लाभप्रद रहेगा, बहुत सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सामने हाथों हाथ हो जाते हैं जिसके लिए उन्हें देहरादून चक्कर काटने पड़ते हैं। हम अभी तक गैरसैंण नहीं जा पा रहे हैं, गैरसैंण राजधानी की तरफ जाएं तो बहुत सारे काम वैसे ही हल हो जाएं, तो निश्चित रूप से इसको एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है कि चलो कुछ कोर्ट के आदेश पर सही, सरकार के दबाव, सरकार पर दबाव के कारण सही भ्रष्ट अधिकारी जेल जा रहे हैं और मुख्यमंत्री सीधे जिलों में भी जा रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत। ठीक है मैकुरी साहब। संजीव वर्मा जी, आप जवाब दे दीजिए। हरीश मैकुरी जी ने भी सवाल यही किया है कि कोर्ट के आदेशों के बाद ही किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है? सरकार की अपनी इतनी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो क्या करती हैं? कोर्ट जाने से पहले ही क्यों नहीं इस पर जाँच हो जाती और क्यों नहीं भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल दिया जाता? हमारी सरकार सीधे काम में इसी प्रकार है, और मैंने पहले भी कहा, पांच बार कह चुके हैं आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की, हम समझ गए हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आप आगे बढ़िए। किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत मिलती है किसी भी स्तर पर और सरकार उसके ऊपर तुरंत कार्यवाही करती है, पूरे गंभीरता से उस व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही होती है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, छोटे छोटे स्तर का हो, बड़े से बड़े स्तर का हो। और पहली बार उत्तराखंड में एक IAS अधिकारी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार कर रही है। इससे पूर्व में MS-74 घोटाले में पटवारी से लेकर IAS अधिकारी तक को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। हम भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी नकेल कसने का हम लोगों ने मीडिया उठा रखा है, और भ्रष्टाचार के ऊपर हम किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता दूर से जोड़कर करने वाले नहीं है।
ठीक है भास्कर चौक जी, बार बार सवालों को गोलमोल कर रहे हैं संजीव वर्मा जी। जी गोलमोल ही हो रहा है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कुकर्म तो बहुतों के होते हैं, किसी के छिप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं। मेरा फिर वही प्रश्न है कि 2012 में जो कानून बना था उसका अनुपालन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। इन्हीं सीएम साहब से हमने पिछले साल भी निवेदन किया था कि ये कानून सरकार का ही कानून है, ये कोई जनता ने कानून नहीं बनाया, जनता ने जो सरकार चुनी उस सरकार ने कानून बनाया कि प्रत्येक अधिकारी की संपत्ति की डिटेल लेकर उसको वेबसाइट पर राज्य सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उसको अपलोड किया जाए। तो आखिर क्यों संपत्ति की डिटेल ए और बी क्लास के अधिकारी की प्रतिवर्ष नहीं ली जा रही है, और अगर ली भी जा रही है तो उसको आखिरकार अपलोड क्यों नहीं की जा रहा है, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार के पास सभी रास्ते हैं, वेबसाइट बहुत सारी हैं और सरकारी वेबसाइटें हैं, उन पर सारे अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों की जो जमीनों की और अन्य संपत्तियों की, मोटी मोटी संपत्तियों की खरीद फरोख्त विक्रय हुआ है, वो सारा का सारा उन वेबसाइटों पर बाकायदा मौजूद है। तो सरकार खुद ही एक प्रयास करके इसकी जांच क्यों नहीं करा लेती जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत कि किस अधिकारी के पास वास्तव में कितनी संपत्ति है और कितनी संपत्ति की उसने घोषणा की है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय संजीव वर्मा जी ने भी ये कही थी कि आपको जो भी शिकायत मिलेगी उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपकी इस बात का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही मैं एक प्रश्न करता हूं कि सरकार आखिरकार शिकायत का इंतजार क्यों करती है, सरकार अपने आप ही ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव आखिर क्यों नहीं उठा सकती। और दूसरी बात, जब कोई शिकायत करता है, एक तो आईएएस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करना एक छोटी बात नहीं होती, एक आम आदमी को पता होता है कि उसने क्या करा हुआ है, लेकिन वो शिकायत करने से बहुत ज्यादा डरता है। फिर भी अगर वो किसी तरह से शिकायत कर देता है तो सरकार के ही अधिकारियों का उसके पास एक लेटर आ जाता है कि संबंधित शिकायत के संबंध में आप शपथ पत्र दें। अरे सरकार को जब शिकायत होगी सरकार अपने स्तर पे उसकी जांच करवा लेना, और शिकायत करता हुआ किनारे छोड़ दे, शिकायत करता और उसकी आप जांच करवा लो, जांच करवा के आप चेक करवा लो कि शिकायत उचित है या नहीं है। आप उसमें बकायदा अधिकारी को बताते रहते हो कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, फलाने आदमी ने की है, और ऐसी कंडीशन में जब शिकायत करता एक निहायत आम आदमी है जिसको शाम को अपनी स्कूटी पर, अपनी बाइक पर अपने घर जाना है, उसकी सुरक्षा का ध्यान आपकी सरकार कैसे रखेगी। आप एफिडेविट तो मांग लेते हो लेकिन विसल ब्लोअर की सुरक्षा का आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। जो व्यक्ति एक आम आदमी यदि शिकायत करता है उसको तरह तरह की धमकियां मिलती हैं और उसकी जान पर हर समय तलवार लटकी रहती है, उसके लिए क्या इंतजाम है जीरो टॉलरेंस में। सरकार खुद एक बीड़ा क्यों नहीं उठाती कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं, आप हल्का सा इशारा दे दो तो हम कार्रवाई कर देंगे। ठीक है भास्कर साहब, संजीव वर्मा जी, जनता दरबार के बारे में बात करना चाह रहा था मैडम, मैं आ रही हूँ भास्कर साहब, एक बार फिर से लौटूंगा जी। संजीव वर्मा जी, मुस्कान जी, अभी मेरे भाई भास्कर जी ने बोला कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो उसको धमकी दी जाती है या उसको अपना डर रहता है, तो ये डर और भय वाला वातावरण 2017 के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस चीज के लिए आप निश्चित रहिए। और 2017 से पहले जेलरों की हत्या कर दी जाती थी, डिप्टी जेलर की हत्या कर दी जाती थी, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा के रख दी जाती थी और कैमरे के सामने भ्रष्टाचार हुआ करता था। आज संजीव वर्मा जी, आशा करती हूँ कि 2017 से पहले का बीजेपी का जो कार्यकाल था उसे भी गिन रहे होंगे आप बीच में। जी मैंने 2012 से 2017 की बात करी है, 2012 से 2017 में जो कांग्रेस की सरकार थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और कोई भी, मैंने पहले भी कहा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कितना ही रसूखदार हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार किसी का भी हो, कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह से, संजीव वर्मा जी, हम समझ गए हैं आपकी ये बात, लेकिन भास्कर साहब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि सीएम कार्यालय में जो ए और बी श्रेणी के अधिकारी हैं, कर्मचारी अधिकारी जो हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जो भी आप लगा लीजिए, उनकी संपत्तियां क्या आपने जग जाहिर कर दी हैं? मुस्कान जी, देखिए जितने भी हमारे ए बी क्लास के जितने भी अधिकारी हैं उनमें चाहे पीसीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो या अधीनस्थ अधिकारी हो, उन सभी से उन
संपत्तियों का, अचल अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सरकार के द्वारा मांगा गया है और सरकार के द्वारा उन सभी की संपत्तियों का ब्यौरा जो सरकार के पास हम लोगों ने उपलब्ध कराया हुआ है। ठीक है, आप ही ने उपलब्ध कराया ना संजीव वर्मा जी, आप ही ने उपलब्ध करवाया है ना? और संजीव वर्मा जी, आप ही ने उपलब्ध करवाया होगा आंकड़ा? क्या आंकड़ा आप ही ने तो सरकार को उपलब्ध करवाया होगा ना? मुस्कान जी, आप कैसी बातें करती हैं? मैं उपलब्ध कराऊंगा, मैंने कहा मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके पास आंकड़ा तो होगा ना। अगर सरकार के पास आंकड़ा है तो प्रवक्ताओं को तो देगी सरकार आंकड़ा। मुस्कान जी बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन है सरकारी, कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं सीएम कार्यालय में जिनकी संपत्तियां क्या क्या है, जल्दी से बता दीजिए। मुस्कान जी, अगली विदेश बात पे रख लीजिए, मैं पूरा ब्यौरा लेके आऊंगा आपके सामने, एक एक व्यक्ति के संपत्ति का उल्लेख करूंगा। संजीव वर्मा जी, चर्चा इस पर आज हो रही है, कल नहीं होगी। मुस्कान जी, आप पहले बोलते तो मैं एक पूरा का पूरा आंकड़े की पूरी कॉपी लेके आता और आपके सामने एक एक व्यक्ति का उल्लेख करता। हमारी सरकार किसी को भी न बकसने के मूड में है, ना किसी को छुपाने के मूड में है। और मैंने आपसे पहले, अच्छा अगर ये आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया जाता तो जी, सरकारी साइट्स पर डाल दिया जाता तो क्या दिक्कत थी? आपको इतना कहना ही नहीं पड़ता कि मैं आंकड़ा लेकर आता, आप तुरंत साइट खोलते और आपको आंकड़ा मिल जाता। मैडम, सरकारी साइट पर होगा? हाँ तो चलिए आप ढूंढिए, चलिए ढूंढिए, तब तक मैं आती हूँ आपके पास एक बार फिर से। आप आंकड़ा ढूंढिए, दोबारा आपकी जब टर्न आएंगे तो आंकड़ा मैं ले लूंगी आपसे। ढूंढ कर रखिए आप आंकड़ा। हरीश मैखुरी जी, आपने क्या पूछा मुस्कान जी? जी यही मैं कह रही हूँ कि संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि आंकड़ा जो है वो सार्वजनिक जो है वो सरकारी वेबसाइट्स पर डाल दिया गया है, लेकिन जब उनसे आंकड़ा पूछा तो वो कह रहे हैं कि पहले बता दिया होता तो हम आंकड़ा लेकर आते। नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की बातें गोल गोल बात करके तो सरकार का भी पक्ष ठीक से नहीं रखा जा सकेगा। ऐसा भी नहीं है कि सरकार कुछ कार्रवाई करती नहीं है, सरकारें करती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं कि हमारे जो अधिकारी हैं वो सरकार से दो कदम, सरकार की छूटने की क्षमताओं से दो कदम आगे रहते हैं नियम कानूनों को गोल मोल घुमाने में। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में तो जितने मतलब हैं उनमें से अधिकांश जो हैं नियम कानूनों के की व्याख्या, अति व्याख्या या उनको कब करना है उसके माहिर हैं। तभी लखनऊ से वो लंदन शिफ्ट हो गए हैं देहरादून में। तो ऐसा लग रहा है कि पहले लखनऊ में जल्दी काम हो जाते थे जनता के, देहरादून में देर में हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है हम लखनऊ से लंदन शिफ्ट हो गए। तो इतने ज्यादा मतलब गोल मोल होता है कि एक छोटा प्रमाण पत्र बनाने के लिए, एक छोटी अपनी फाइल क्लियर करवाने के लिए महीनों चक्कर कटवा देते हैं हमारे जो सचिवालय में बैठे हुए लोग हैं। तो निश्चित रूप से एक वो भी होना चाहिए कि टेबल पे कितने दिन तक वो फाइल रुकी है, क्यों रुकी है, किस कारण से रुकी है, इसकी भी समय सीमा निश्चित रूप से हो जाने चाहिए। जो सचिवालय में सालों क्यों लटके रहते हैं, दो जगह हमारे केस जो है कोर्ट में और सचिवालय, तो कोर्ट की भी लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि इतने टाइम में आपने करना ही करना है। उसी तरह से सचिवालय में भी होनी चाहिए कि ये फाइल इतने दिन में हो ही जानी चाहिए, कोई भी फाइल हो आप उसे घुमाते क्यों हो। तो तब तक ये जनता के काम अटके ही रहेंगे। मेन सरकारों का काम है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के काम करना। तो अगर इस तरह से घुमाते रहेंगे तो सरकार का भी नुकसान होता है, जिसकी सरकार है उसका भी नुकसान होता है। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि भाई जो जिस लेवल के अधिकारी का काम है वहीं संपन्न करो, तो छोटे छोटे कामों के लिए देहरादून के जनता दरबार में आपको भीड़ लगी है, क्योंकि वो उस लेवल पे हो नहीं रहे हैं इसलिए हम भीड़ लगी। तो ये तो मुख्यमंत्री जी स्वयं भी संज्ञान दे सकते हैं, स्वयं भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल थोड़ा सा और ट्राई करेंगे वो, क्योंकि अब वो फुल फ्लैश मतलब चुनाव के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया है जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब अपने रंग में दिखने भी लगे हैं। कल वो दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की, रक्षा मंत्री से मुलाकात की, पर्यटन मंत्री से मुलाकात की और उत्तराखंड के लिए बहुत सारी सौगातें भी वो लाने वाले हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर अधिकारी कुंडली मारे बैठे रहेंगे फाइलों पे तो मतलब सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम करते हैं ये लोग। तो अपने अधिकारियों को भी टाइट करना पड़ेगा। और दूसरा, भ्रष्टाचार पे निश्चित रूप से एक्शन लिया गया है, शुरुआत तो हुई, कम से कम एक आईएएस अधिकारी को जेल भेज दिया है, तो एक शुरुआत तो हुई, ये होनी चाहिए, आगे भी ये सिलसिला जारी रहना। ठीक है, मैं थोड़ा सा भास्कर चौक जी,
हाँ मैडम, मेरे को फिर से वही कहना है कि आपने जो मैं बिल्कुल मेन प्रश्न पर अपने हूँ कि जो ठीक है आगे आगे आप बढ़िए, आंकड़ा उनसे मांग लिया गया, अभी एक बार फिर से मैं लौटूंगी उनके पास, तब तक आंकड़ा वो दे देंगे। आपने आंकड़ा मांग लिया गया है, लेकिन फिर वही बात आती है कि शिकायतकर्ता का इनिशिएटिव क्यों, शिकायतकर्ता एक आम आदमी है उसका सारा इनिशिएटिव क्यों? सैकड़ों बीघा जमीन जो कि सरकारी है, सैकड़ों बीघा जमीन जो जंगलात की होती है, सैकड़ों बीघा जमीन ऐसी होती है जो विभिन्न विभागों की होती है, कोई यूजेबीएल की होती है, कोई सिंचाई विभाग की होती है, विभिन्न विभागों की होती है, इस जमीन का पूरा विनिमय हो जाता है और विनिमय जो होने के बाद वो जमीन औने पौने दाम पे इन्हीं अधिकारियों के लोग खरीद लेते हैं, फिर वो गरीब जनता को बेच देते हैं, मोटा उसमें मुनाफा कमा लिया जाता है और इस पूरे के पूरे काम धंधे को सरकार बहुत अच्छी तरह, सरकार के अधिकारी बहुत अच्छी तरह अंजाम भी देते हैं और जानते भी हैं। तो इससे शिकायतकर्ता की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है? सरकार के पास सारा डाटा है, अभी आदरणीय संजीव वर्मा जी कह रहे हैं सरकार के पास डाटा आ गया है, चलिए मैं भी वेबसाइट खोल के देखूंगा कि क्या सबका डाटा वेबसाइट पर प्रकाशित हो गया है, तो यदि हो गया है तो फिर हम सरकार को आंकड़ा देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपके पास डाटा आ गया है तो क्या आपने ई रजिस्ट्रार वेबसाइट से और इनके पारिवारिक सदस्यों के नाम से उसका स्वयं एक मिलान करके देखा? क्यों शिकायतकर्ता के आप भरोसे बैठे हुए हैं? क्या आप इनकी संपत्ति को मिलान कर रहे हैं और मिलान करने के बाद आखिरकार कितने अधिकारी ऐसे हैं? बहुत अच्छे से नाम बता सकता हूं मैं, जो कि पब्लिक डिबेट में नहीं बताना चाहूंगा, मैं वैसे लिखित में बता सकता हूं। तो उन नामों पे आपने क्या कार्रवाई करी है? क्योंकि उनकी संपत्ति वाकई में किसी के पास संपत्ति 2.5 करोड़ की है और घोषणा उसने मात्र 40 लाख की संपत्ति की भी नहीं की। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार अपने आप इनिशिएटिव कब लेगी? जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपको शिकायत करने की आवश्यकता ही ना पड़े। सरकार के पास इतने साधन है, तकनीक का युग है, डिजिटल इंडिया है, सरकार खुद देखे। और दूसरी बात, आपने ये कही थी कि 2017-2012 से पहले वाला और बाद वाला, सर आज भी शिकायतकर्ता को कई तरीके से दबाया जाता है, ये बड़ा फैक्ट है। और हर चीज को राजनीतिक चश्मे से ना देख के एक सच्चे नजरिए से आप यदि देखिए तो आप मानेंगे इस बात को कि एक व्यक्ति जो बाजार में कहीं दुकान लेकर बैठा है, शाम को उसको अपने घर जाना होता है और रास्ते में उसको किन 1.5 किलोमीटर के फासले पर किन हालातों का सामना करना पड़ सकता है, आप शायद इन चीजों को अभी नहीं जानते, क्योंकि आप हो सकता है बहुत बड़ी गाड़ी में जाते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं साइकिल पर जाया करते हैं, स्कूटी में जाया करते हैं। ठीक है, चलिए संजीव वर्मा जी, जी आंकड़ा निकाल लिया होगा आपने अभी तक? मुस्कान जी, मैंने कहा मैं आंकड़ा आपको अभी मैं पूरा आंकड़ा लेके आऊंगा। और जिस तरह से आप एक ही बात के ऊपर अड़ी हो रही हैं, मैंने आपको कहा हम चाहे छोटे छोटा बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी रसूखदारी हो, कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, हम किसी भी व्यक्ति को उसी का तो एक सबूत मांगा जा रहा है आपसे, उसी का तो एक सबूत मांगा जा रहा है। अड़िग आप मुझे अड़िग कह रहे हैं, भास्कर चौक जी बार बार आपसे ये सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आ रही हूँ आपके पास इस सवाल के साथ। देखिए मुस्कान जी, और अगर आपका भी पक्षधर आपसे संतुष्ट नहीं है, आपसे सवाल कर रहा है, तो आपका जवाब देना फर्ज है संजीव वर्मा जी। मुस्कान जी, देखिए इनका गांधी परिवार जो पिछले 48 घंटे की उनकी पूछताछ हो चुकी है राहुल गांधी जी की, उसके बाद भी संजीव वर्मा जी, राहुल गांधी पर ईडी पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी सुनिए संजीव वर्मा जी, राहुल गांधी पर ईडी पूछताछ कर रही है और जो भी तमाम तस्वीरें होंगी वो साफ हो जाएंगी, जब ईडी की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो सभी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बातों को गोलमोल करके डिबेट को भटकाने की कोशिश मत करिए, आप मुद्दे पर रहिए, उत्तराखंड पर रहिए, नेशनल पर जाने की जरूरत नहीं है अभी। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है ये लोग, उनको बताने का ये लोग काम करते हैं। हमारी सरकार चाहे कोई छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी को भी जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी डिबेट में आप ये छठी बार बात बोल रहे हैं, इसी डिबेट में छठी बार बोल रहे हैं आप ये बात, लेकिन हरीश मैखुरी जी का भी यही कहना है, भास्कर चौक जी का भी यही कहना है और मैं भी आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि आखिर शिकायत का इंतजार क्यों सरकार को, अपनी जांच एजेंसियों से सरकार क्यों सवाल नहीं करती है? मुस्कान जी, आप क्या सुनना चाह रही हैं मेरे से बताइए। मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है हरीश, सुनिए अब आप सवाल सुन लीजिए,
हरीश महकुरे जी, भास्कर चुग जी का दोनों का ये सवाल है और मेरा भी आपसे यही सवाल है, आखिर सरकार क्यों इंतजार करती है शिकायतकर्ता का? सरकार की खुद की सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल करके सरकार क्यों अपने अधिकारियों की तमाम जो क्लीन चिट है वो नहीं देती है उनको? क्यों उनकी संपत्तियों का मिलान नहीं करते? अगर आपके पास आंकड़ा आ भी गया है तो संपत्तियों का मिलान कर लिया गया क्या? मुस्कान जी, देखिए, सरकार के संज्ञान में यदि इस प्रकार का कोई भी वाक्या आता है, कोई भी प्रकरण आता है, तो सरकार अपने आप ही विजिलेंस के माध्यम से और अन्य एजेंसियों के माध्यम से उन चीजों की जांच करती है। और यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी संस्था के लिए कोई भी शिकायत देती है तो उसके ऊपर भी हम लोग पूरी सतर्कता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, उसके ऊपर कार्यवाही करने का काम कर रहे हैं। और मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ, बार बार एक ही बात को आप जानबूझ के बार बार रिपीट करवा रहे हैं। हम किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त हमारा शासन है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के अनुरूप हम लोग अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। हम न जाने कितनी बार आप ये बात बोल चुके हैं, मैं तो गिन गिन कर थक गई, पता नहीं कौन सी बार आप ये बात बोल रहे हैं और एक ही पूरी डिबेट में एक ही बार आपकी एक ही बात। भास्कर चुग जी, आप जनता दरबार पर कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। जी, मैं ये कह रहा था कि अभी आदरणीय संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, आपकी इस बात का हम स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों स्वागत करते हैं। हमारा एक बहुत छोटा सा बचपने वाला प्रश्न है कि मान लिया एक अधिकारी महाभ्रष्ट है, मान लिया उसके पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मान लिया वो उत्तराखंड सरकार में अधिकारी है और उस व्यक्ति की कोई शिकायत ही नहीं करता, चाहे वह किसी भी कारण से नहीं करता, तो क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इस तरह के बहुत सारे रामविलास यादव उत्तराखंड में हैं, उनके विरुद्ध शिकायत का इंतजार किया जा रहा है या सरकार कोई अपना प्रयास कर रही है? तीसरा प्रश्न यह मेरा है कि उत्तराखंड सरकार का जब ये नियम है कि 2012 में जो नियम आया था कि आप अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे पर ईयर, तो क्या सारे अधिकारियों ने डिक्लेयर कर दी है? और यदि डिक्लेयर नहीं की तो कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत आपने अब तक पिछले 2017 से लेकर 2022 की पहले का तो आप मानते ही नहीं कि सरकार थी, उसके बाद आपने कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की? अगला प्रश्न मेरा एक बचाने वाले प्रश्न है मेरे, चिंता मत कीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा यह है कि जिन अधिकारियों ने संपत्ति अपनी घोषित कर दी क्या वो पब्लिक डोमेन में ला दी गई? ठीक है भास्कर साहब, अब जनता दरबार पर आ जाइए। जनता दरबार के बारे में तो मैडम ये कहना है कि जनता दरबार जैसी पहले भी हुई है और त्रिवेंद्र जी का जनता दरबार भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, जिसमें एक बुजुर्ग उत्तरापंत बहुगुणा जी को जेल भेज दिया गया था। और एक तो जनता दरबार उन्हीं का और याद है जिसमें खटीमा के कुमाऊं के किसी व्यापारी ने उसमें जहर पी लिया था। और मैं चाहता हूँ, हमारी पूरी पार्टी की इच्छा है और पार्टी छोड़िए पूरे उत्तराखंड की ये इच्छा है कि पुष्कर सिंह धामी जी जिस जनता दरबार की बात कर रहे हैं, यह जनता दरबार वास्तव में जनता दरबार सिद्ध हो, इसमें मात्र भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना होकर आम आदमी को अपने प्रश्न उठाने का मौका मिले, आम आदमी के सवालों की सुनवाई हो सके, कि दिखावा ना हो सिर्फ जिस तरह से आज तक दिखावा होता आया। ठीक है हरीश महकुरी जी, जनता दरबार को लेकर भास्कर चुग जी के सवाल हैं कि पहले भी एसी सरकार में, बीजेपी की सरकार में पहले भी जनता दरबार लगे हैं, लेकिन उसमें तरह तरह की घटनाएं सामने आई, इस तरीके की घटनाएं ना हो इस बार। महकुरी जी, हरीश महकुरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, हाँ ठीक है, हेलो जी महकुरे साहब, आवाज मिल पा रही है? जी, भास्कर चुग जी कह रहे हैं कि जो जनता दरबार आप धामी जी लगाने जा रहे हैं, सीएम धामी लगाने जा रहे हैं, ऐसे जनता दरबार बीजेपी की सरकार में बहुत बार पहले भी लग चुके हैं, लेकिन तरह तरह की वहां पर बातें सामने आई हैं, घटनाएं सामने आई हैं, वो घटनाएं इस बार ना हो उसके लिए क्या कह सकते हैं कि सराहनीय कदम सरकार का होना चाहिए इस बार? नहीं देखो, हम किसी उदाहरण विशेष को अगर लेके सीएम दरबार की प्रासंगिकता पे प्रश्न लगाएं तो ये निश्चित रूप से ये कोई पॉजिटिव मतलब चीज नहीं होगी।
किसी एक दरबार में व्यक्ति विशेष कोई कर दे, जिस शिक्षकाटी का ये शायद में बात हो रही है, उनका हरीश रावत जी के जमाने से भी प्रकरण चल रहा था, तो वो अलग चीज है। एक व्यक्ति को लेकर पूरे सीएम के जनता दरबार और पूरे उद्देश्य सवाल मैं सोचता हूँ कि नहीं उठाने चाहिए। जनता दरबार का लाभ मिलता है और खासकर जब जिलों में लगने लगे तो जनता को सीधे मुख्यमंत्री के सामने ही बात करने का, मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखने का, और उससे मुख्यमंत्री कोई आदेश करते हैं तो वो देन एंड देयर हो जाता है, वो जियो हो जाता है। तो ये लाभ होगा जनता को और ये लगने चाहिए। ये हम इस शिविर के और इस ये जो शुक्रवार शनिवार को मुख्यमंत्री जिलों में प्रवास करेंगे, इसका निश्चित रूप से स्थानीय जनता को लाभ होगा, आम लोगों को लाभ होगा। तो हम इस कदम को तो हम सही समझ पा रहे हैं कि ये सही है, इस दिशा में काम होना चाहिए। ठीक है, इस दिशा में काम होना चाहिए, ये सरकार का सराहनीय कदम है। और उत्तर प्रदेश का इसको लेकर तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, वहां पर बहुत से लोगों की समस्याओं का हल हुआ भी है। संजय वर्मा जी, चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। भास्कर साहब देखिए, ये मैखुरी साहब का भी कहना है कि अगर किसी भी एक जनता दरबार में अगर इस तरीके की चीजें होती है तो उसको लेकर आप सभी जनता दरबार को लेकर आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि एक जो स्थिति है वो हर बार नहीं बनती है। हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर जनता दरबार चल रहा है। देखिए मैडम, हमने जनता दरबार का विरोध तो किया ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जनता दरबार जो लगे वो जनता दरबार की तरह लगे, उसमें पूरा का पूरा सुनवाई जो है वो मात्र भाजपा के और एक संगठन विशेष के कार्यकर्ताओं की ना होके एक आम आदमी की निष्पक्ष रूप से वहां पे सुनवाई हो पाए, इस तरीके से लगाए जाए। और विपक्ष के नाते कांग्रेस का फर्ज है कि सरकार को इस संबंध में सुझाव दे, और पूर्व में यदि कोई दुर्घटना हुई है तो उसको लेकर प्रश्न उठाना भी बहुत वाजिब है। हमने मात्र एक जहर खाने वाली घटना का जिक्र नहीं किया, हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तरा पंत बहुगुणा जी ने जनता दरबार में एक प्रश्न उठाया था और उस प्रश्न पर तत्कालीन मुख्यमंत्री इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने उनको जनता दरबार से ही जेल भेज दिया। तो जनता के बीच में दोबारा से एक विश्वास पैदा किया जाए कि आप जनता दरबार में यदि कोई प्रश्न उठाएंगे तो आपको उत्तरा पंत बहुगुणा जी की तरह जेल नहीं भेजा जाएगा। आप भले ही किसी पार्टी से किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, यदि आप सवाल उठाएंगे तो आपके सवालों पर सीएम साहब कोई एक्शन लेंगे। यदि ईमानदारी से आप किसी बात को कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी ईमानदारी वाला आएगा, लोगों के दिल में डर ना हो किसी तरह का, और लोग जो है अपनी बात को बेतकल्लुक तरीके से, ठीक है, इस जनता दरबार में लोग रख भी सकेंगे अपनी बातों को भास्कर साहब। और पहले से पहले इस पर सवाल उठाना देखिए ठीक भी नहीं है। आप जो बातें कह रहे हैं वो एग्जाम्पल है, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उससे क्या पता कि धामी सरकार सीख ले बहुत अच्छे तरीके से और इस तरीके की चीजें ना हो इस बार, ये भी हो सकता है। यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं मैडम, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह रहे। हम हमारा कहना यह है कि जनता दरबार दिखावा साबित ना हो जाए कहीं, और आम जनता के लिए हो, ना कि किसी पार्टी विशेष कार्यकर्ताओं या संगठन विशेष के लोगों के लिए। ठीक है, संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है जी। जनता दरबार का स्वागत कर रहे हैं तमाम विपक्षी दल, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पहले जैसी घटनाएं हुई है वो इस बार ना हो। मुस्कान जी, देखिए जनता दरबार और जनता से जो सीधा इंटरेक्शन का जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत श्रेष्ठ निर्णय लिया है, उसका तमाम वर्ग और तमाम जनता और सभी लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं और स्वागत योग्य भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक बड़ा स्टेप इसलिए लिया ताकि वो विकास जो हो रहा है, जो विकास की बात आ रही है और धरातल पे वो उस विकास में कोई त्रुटि तो नहीं है, उन कामों में कोई त्रुटि तो नहीं है, तो जनता से भी वो इस चीज का आकलन करेंगे, इस चीज की जानकारी करेंगे कि जो सेवाएं, जो योजनाएं हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, सरकार डिलीवर कर रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई खामी है तो आप बताएं, ताकि हम उसका रेक्टिफाई कर सकें, उसका हम निवारण कर सकें और आपके पास एक बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम सरकार की तरफ से हम आपको डिलीवर कर सकें। और मैंने जैसा पहले एक बात अपनी बोली थी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है यदि उस समय उस चीज की पूर्ति कर दी जाती है तो उसका उसका जो एक रिजल्ट
रिजल्ट है वो कई गुना हो जाता है। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि दैवीय आपदा उत्तराखंड में अक्सर आती रहती है, तो दैवीय आपदा में जो हमारे मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाता तो वो उसको प्राप्त करने में कुछ दिन लग जाया करते थे, लेकिन अब बिल्कुल सरकार के द्वारा एक जबरदस्त एक्शन इससे लिया गया है कि एक टाइम फ्रेम निर्धारित कर दिया गया है कि जैसे ही सूचना मिलेगी किसी भी दैवीय आपदा की तो एक दिन के अंदर उनको उसका मुआवजा की राशि दे दी जाएगी, और मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि उसका वितरण मात्र 5 दिन के अंदर, चाहे किसी का विवाह हो, चाहे चिकित्सा का हो, स्वास्थ्य का हो, या अन्य किसी भी प्रकार के जो मुख्यमंत्री राहत कोष का जो धनराशि लाभार्थी को मिलनी है उसको विद इन 5 डेज उस तक पहुंचाई जाएगी। और यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी कोताही बरतता है, लापरवाही बरतता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्ट तंत्र अपनाने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी सरकार ने निश्चित की है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी सरकार करने जा रही है, ताकि जनता के जो हित है उनका ये सरकार पूरी तरह से ध्यान रख सके और जनता को जो सुविधाएं एक्चुअली मिलनी चाहिए उनको भी सरकार तक वो जनता तक सरकार पूरे अच्छे से डिलीवर कर सके, और जनता का सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का आम जनता के साथ एक सीधा इंटरेक्शन बने, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो 2 दिन का हर जिले में प्रवास का भ्रमण का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, ये उसमें पूरी एक सार्थक भूमिका निभाने जा रहे हैं। ठीक है, कई सवाल भी आपसे पूछे थे भास्कर साहब ने, वो कह रहे थे कि बचपने वाले सवाल है लेकिन उनका जवाब चाहिए उन्हें। मैडम मैं सुन नहीं पाया, मेरा ऑडियो बीच में बंद हो गया था अभी। चलिए ठीक है, मैं उनसे एक बार पूछ रही थी। भास्कर साहब एक एक करके सवाल पूछेगा, कुल 6 सवाल थे आपके। हाँ बिल्कुल, 5-6 रैंक के सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि मान लिया कोई अधिकारी 100 करोड़ की संपत्ति बनाकर बैठा हुआ है, उत्तराखंड सरकार में है और ए और बी क्लास का वो अधिकारी है, यदि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती सरकार को तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि पहले शिकायत प्राप्त होगी तब हम कार्यवाही करेंगे। दूसरी बात ये है, एक एक करके पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी बता दीजिए। मुस्कान जी देखिए, जिस भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी सिंगल शिकायत, वो पूछ रहे हैं कि अगर शिकायत नहीं आती आपके पास तो कार्रवाई करेंगे कि नहीं, शिकायत की तो बात ही अलग रह गई। मुस्कान जी ये इनका सवाल ही बचकाना है, इन्होंने पहले ही बोला कि मैं बचकाने सवाल पूछूंगा, वो तो उन्होंने बोल दिया तो आपने बचकाना कह दिया, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है। अगर सुनिए वर्मा साहब, देखिए सुनिए मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ भास्कर साहब आ रही हूँ। संजीव वर्मा जी, वो तो उन्होंने कह दिया कि बचपने का सवाल है तो आपने उनको बचकाना कह दिया, लेकिन सवाल वाजिब है। ये बताइए कि सरकार के पास इतनी सरकारी एजेंसी अपनी अपनी है, क्यों सरकार अपने इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है कि सरकार सभी अधिकारियों का टेस्ट करवा सकती है और देख सकती है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, संपत्तियों का मिलान भी बहुत आराम से हो सकता है। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको शिकायत नहीं मिलती है उसके बाद अधिकारियों की पर कार्रवाई होगी कि नहीं। मुस्कान जी, अब मैं आपको बोलूंगा तो आप फिर कहेंगे कि मैं कहेंगे जगह 7वीं बार यही बात बोल रहा हूँ। मैंने बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को, ठीक है, सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेगी, सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मिल गया आपका जवाब। दूसरा सवाल भास्कर साहब का कोई मंसूबा नहीं है। ठीक है ठीक है, वर्मा साहब आ रही हूँ, ठीक है बहुत हो गया। दूसरा सवाल भास्कर साहब। नहीं सर, मैम ये सवाल का तो उत्तर ही नहीं आया जवाब। हाँ ठीक है, जवाब उनके पास है नहीं इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। आगे बढ़िए। आप कैसी बातें करती हैं, मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं जब आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, हम बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी बात के, हम हर व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा दें, या तो ये
यदि आपके पास किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी अधिकारी के प्रति आपके पास यदि कोई एक संजीव वर्मा जी, अब सुनिए, अब सुनिए, मुझे तो आप कह रहे हैं कि कैसी बातें कर रही है, अब सुनिए, अब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सुनी होगी आपने बहुत अच्छे तरीके से ये कहावत, इसलिए पूछ रहे हैं वो आपसे, क्या सुनी नहीं आपने ये कहावत? नहीं, आवाज आई नहीं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है वर्मा साहब, अगर एक अधिकारी भ्रष्ट हुआ तो बाकी अधिकारियों को भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी, इसलिए वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको शिकायत नहीं भी मिलती है तो भी कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्कान जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक मछली को तालाब से निकाल कर जेल के शिक्षकों के पीछे भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने वो काम किया और इस ये जो यादव साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई मैं उसके समर्थन में हूँ, लेकिन अगर एक मछली वहाँ पर आपकी गंदी हो गई तो आप ये समझिए कि आप बाकी मछलियों को अगर चेकअप नहीं करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, तो फिर वही तो वो कह रहे हैं कि वो चेकअप ही तो करिए बिना शिकायत के, वही तो वो कह रहे हैं, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। मुस्कान जी, हम बिल्कुल करेंगे, तो बस ये बात आप पहले कह देते, इतना डिटेल में मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं थी। भास्कर साहब, अगला सवाल आपका। दूसरा अगला सवाल इसी सवाल से मैं फिर निकल जाता है कि आदरणीय रामविलास यादव जी जो इस समय जेल याफ्ता है, रिमांड पर है, पिछले उनका जो भी रहा उन्हीं के जैसे एक अधिकारी और भी हमारे सुनने में आए हैं जो ट्रांसफार्मर घोटाले के भी आरोपी हैं, उनके विरुद्ध शायद किसी ने अब तक शिकायत करी ही नहीं, और इस तरह के बहुत सारे अधिकारी। अरे भास्कर जी, चलो अधिकारी तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करने जा रही है, क्योंकि अब वो आपका वाला युग खत्म हो चुका, कांग्रेस वाला युग खत्म हो चुका, जब घोटाले हुआ करते थे और फाइलों के अंदर बंद हो जाए करते थे। अब मुस्कान जी, आपसे अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, वर्मा साहब आ रही हूँ, कॉमन व्यक्ति भी यदि शिकायत करता है तो उसके शिकायत के ऊपर हम उसका पूरा संज्ञान लेते हैं और पूरी कार्यवाही करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, चुप साहब आगे बताइए। ठीक है वर्मा साहब, ठीक है, सुन लिया। ठीक है वर्मा साहब, समय भी समाप्त होता जा रहा है, मात्र 2 मिनट बचे मेरे पास। ठीक है, जो 5,000। ठीक है वर्मा साहब, आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। चुप साहब, जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा, समय समाप्त होता जा रहा है। बचाने का काम कर रही है, आप लोगों को तो शर्म ही नहीं आती, एक भ्रष्टाचारी वर्मा जी पूरी तरह से बंद हो गए हैं सड़कों के ऊपर। वर्मा जी, सड़कों के वर्मा जी, भ्रष्टाचारी वर्मा जी, भ्रष्टाचारी की हिमायत कर रहे हैं वर्मा जी, आप लोगों को शर्म ही नहीं आती है? देखिए वर्मा जी, सुन लीजिए जरा। देखिए, एक ना डिबेट का तरीका हुआ करता है, और डिबेट का तरीका ये हुआ करता है जिस सब्जेक्ट पर हमारी डिबेट हो रही है हम उस सब्जेक्ट से ना हिलें, और आपकी भ्रष्टाचार की बात हो रही है। हाँ, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है उत्तराखंड के 5,000 करोड़ के। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस आप मुस्कान जी से निवेदन करके आप, अरे तड़ी बात तो नहीं है ना, अरे ठीक है ठीक है, तू तो हमें से बाहर निकलते हैं, समय मेरे पास समाप्त हो गया। हरीश मैखुरी जी, अपना आखिरी कमेंट आप रख दे जल्दी से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस समय भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार देखा जा रहा है, अब विपक्ष का ये सवाल है कि अगर शिकायत नहीं मिलती है उसके बाद भी क्या इसी तरीके से ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी, और यह देखने वाली बात होगी कि धामी सरकार इस बार आगे भ्रष्टाचार पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।